पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद यहां सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। साथ ही शिमला में मौसम विभाग ने 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तर भारत के, वहां पर लगातार बर्फबारी तेज हो गई है। सैलानियों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। इस बीच हम आपके सामने तीन तस्वीरें रख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए, मनाली में बर्फ ही बर्फ आपको चारों तरफ दिखाई देगी और ऐसे में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर लाहौल स्पीति की है, यहां पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, एडवाइजरी जारी कर दी गई। और तीसरी तस्वीर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, शिमला की ये तस्वीर है कि किस तरीके से माल रोड पर भी जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देगी। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, कोहरा घना होता जा रहा है, जिसके कारण कई फ्लाइट्स डिले चल रही हैं, ट्रेनों को लेट करना पड़ रहा है। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ये अपनी तरफ सैलानियों को आकर्षित कर रही है। इधर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो भारत के लिए सबसे कम वनडे खेलकर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए। इस पारी में गिल ने 19 चौके मारे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ते हुए 9 शानदार छक्के भी जड़े, जिनमें 3 छक्के तो उन्होंने एक के बाद एक मारे और फिर तीसरा छक्का मारते ही उन्होंने 200 रनों के आंकड़े को छू लिया। 194 रनों पर खेल रहे शुभमन ने ये शॉट गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारा और इस दोहरे शतक के साथ भारत के लिए डबल सेंचुरी बनाने वाले गिल पांचवें खिलाड़ी बन गए। साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, वो भारत के लिए वनडे इतिहास में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले विराट कोहली और शिखर धवन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में 24 पारियां लगी थी, लेकिन शुभमन गिल ने महज 19 पारियों में ये मुकाम हासिल कर लिया। हालांकि सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमा के नाम है, जिन्होंने शुभमन से एक पारी कम यानी 18 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। बीते दिनों हुई बर्फबारी यहां के पर्यटन कारोबार को संघ फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पेड़ की टहनी और पत्तियों पर बर्फ जम गई, जहां तक नजर दौड़ाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने भी मनाली का रुख किया है। मनाली में बहुत मजा आ रहा है, जिसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। हालांकि मनाली हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है,